निश्चित तौर पर निंदनीय है। निश्चित तौर पर ये देश जो है ये महिलाओं को प्रधान मानता है, ये दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी को पूजन करने वाला देश है भारत, और निश्चित तौर पर जो बात कैलाश विजयवर्गीय जी की कि इनका जो वायरस JNU का है वो वायरस नहीं है, वायरस उनमें है रानी लक्ष्मीबाई का, इंदिरा गांधी का, और ये महिलाओं पर कोई भी इस तरह का जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो अधिकारी काम करेंगे निश्चित तौर पर उनको कृष्ण के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमेशा उनके पीछे खड़े रहेंगे और उनकी मदद के लिए आएंगे। दूसरी बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दाओस में जाकर करीब 70 अलग अलग औद्योगिक घरानों से निवेशकों से चर्चा की और वो सब मध्य प्रदेश में आने को तैयार हैं, और एक इकोनॉमिक फोर्स, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश एक इकोनॉमिक फोर्स बनेगा। जिस समय पूरे देश में मंदी है उस समय मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से कमलनाथ जी के पहल से उद्योगपति और निवेशक मध्य प्रदेश आने के लिए तैयार हूँ। इसका एक स्पेशल सेशन हुआ वहाँ, मध्य प्रदेश के लिए अलग से सेशन हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जब कि देश में मंदी हो रही है, हम प्रजातांत्रिक देशों में 10 पॉइंट नीचे गिर गए, और जिस समय देश में मंदी हो रही उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दाओस में जाकर वहाँ पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दूसरा एक था कर्मचारी आयोग को और सशक्त बनाया जाएगा, और कर्मचारी आयोग जितनी भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं खुद उनसे पहल करके बातचीत करेगा, और जो कर्मचारी आयोग तय करेगा, ये इसकी अनुशंसा नहीं, जो तय करेगा उन्हीं को कमलनाथ जी की सरकार फॉलो करेगी और उन्हीं पर सीधे सीधे आदेश प्रसारित करेगी। एक आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले कुछ अस्पतालों में कुछ एडवांस ले लेते हैं फिर देने की बात कहते हैं पैसे, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब चीज़ें तय हुई हैं। निश्चित तौर पर स्वच्छता के मामले में भोपाल में अभी पिछले महीनों में बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों को उसकी बाकायदा प्रेरणा दी गई है, और हम लोगों ने भी अनाउंस किया है कि जो वार्ड हमारे दक्षिण पश्चिम में जो बेस्ट आएगा स्वच्छता के मामले में तो उसके दरोगा उसके पूरे कर्मचारियों को 1,00,000 रुपए देंगे, और पूरे भोपाल में जो वार्ड स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे आएगा तो जो पार्षद है और उसके साथ प्लस 1 उसको कोलंबो भेजा जाएगा। तो एक स्वच्छ शहर है और किस तरह से स्वच्छता होती है उसको देखा जाए, किस तरह से प्रदूषण खत्म होता है वो देखा जाए। इसके साथ ही कमलनाथ जी की सरकार ने 2 कैबिनेट पहले ये पास किया है कि इलेक्ट्रिक मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं बैटरी चालित व्हीकल्स इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जब ये वाले बैटरी वाले आएंगे तो प्रदूषण खत्म होगा। डीजल पेट्रोल के वाहनों के बजाय उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। पेड़ों की कटाई भी खूब हुई है सर, पेड़ों के मामले में तो भोपाल जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कुछ ही शहर होंगे जितने पेड़ यहाँ पर हैं, और पेड़ लगातार लग भी रहे हैं, लगते रहेंगे। हरा भरा भोपाल है, एक सुंदर शहर है, इसे और सुंदर बनाना बहुत पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था जब वो आई थी भोपाल, तो निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। संविधान का पाठ पढ़ाने की जरूरत मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से देखी गई है, क्या कारण है इसका? जिस तरह से संविधान को बार बार छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में तय किया गया कि बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए। जब उनके जहन में वो संविधान होगा तो आगे आने वाले समय में भविष्य में कोई उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी और के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है
वो दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जब प्राथमिकता से बच्चों में जब ये बात आ जाएगी तो आगे चलकर इस तरह के डिस्टरबेंस नहीं आएंगे। बीजेपी श्री लाल ने जो जिस तरह की बातें कही एक महिलाओं के लिए, किस तरह से देख रही है? निश्चित तौर पर ये देश दुर्गा का देश है, ये देश लक्ष्मी जी का देश है, सरस्वती का, जिनकी पूजन की जाती है। और वहाँ राजगढ़ में जो घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से धारा 144 को जो तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश, उसको मेंटेन करने के लिए कदम वहाँ की महिला अधिकारियों को उठाना पड़ा। और जिस तरह की कल बात हुई वहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि शकुनी मामा की मौजूदगी में दुर्योधन के इशारे पर और दुशासन ने शब्द वाणों से चीरहरण की कोशिश की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और एक बात और आई वहाँ की, वो कहा गया कि वो कलेक्टर में वायरस जेएनयू का है, तो जेएनयू का नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का वायरस है उनमें। सर, दबोस दौरा मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इकोनॉमिक फोर्स बन के उभरेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में अलग से सेशन हुआ, वहाँ 70 देशों ने भाग लिया। और जब पूरे देश में मंदी चल रही है, उस समय 70 उद्योगपति और निवेशक मध्य प्रदेश में आकर उद्योग और निवेश करना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी मैं कहना चाहूँगी अचीवमेंट है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जिन्होंने ऐसे समय पर मध्य प्रदेश को ये सब इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं और एक फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। जबकि नेशनल लेवल पे देखें तो मंदी, दूसरी तरफ हम प्रजातांत्रिक देशों में 10 नंबर से नीचे गिर रहे हैं, तो ये आर्थिक मंदी चल रही, इन सब चीज़ों में मध्य प्रदेश अलग से उभर के आ रहा है। ये क्रेडिट कमलनाथ जी को, मुख्यमंत्री को जाती है।